बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख के बेटे आर्यन खान बेहद बड़ी मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्यन खान इस वक्त एनसीबी की रडार पर हैं। बीते रविवार के दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने आर्यन को गिरफ्तार कर लिया। आर्यन एक दिन के रिमांड पर रखे गए हैं और आर्यन से इस वक्त एनसीबी की टीम पूछताछ करने में जुटी हुई है। बता दें आपको कि बीते शनिवार की देर रात लग्जरी क्रूज जो कि मुंबई से गोवा जा रहा था, वहां पर एनसीबी के अधिकारियों ने छापेमारी की, जहां पर रेप पार्टी चल रही थी और इस पार्टी में आर्यन खान भी शामिल थे। आर्यन खान को लेकर खुलासा हुआ है कि आर्यन खान पिछले 4 साल से ड्रग्स का सेवन करते चले आ रहे हैं। आर्यन को लेकर अब तक कई राज खुल चुके हैं जो सभी को हैरान कर रहे हैं। जहां एक ओर शाहरुख इस वक्त विवादों में फंसे हुए हैं, शाहरुख अपने बेटे आर्यन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, तो वहीं उनकी पत्नी गौरी खान भी। गौरी खान ने अपने कई कामों को होल्ड पर डाल दिया है और इस बीच देखा जाए तो शाहरुख खान लगातार अधिकारियों से जुड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पर शाहरुख खान एनसीबी के अधिकारियों से जुड़े हुए हैं और पल पल की खबर ले रहे हैं। बेटे आर्यन खान के इस कारनामे ने शाहरुख को भी हैरान कर दिया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे इस मुश्किल घड़ी में शाहरुख के साथ खड़े हुए हैं। जहां एक ओर बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान शाहरुख खान से मिलने उनके घर पहुंचे, देर रात शाहरुख से उन्होंने मुलाकात की, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सोशल मीडिया के जरिए सेलिब्रिटीज शाहरुख खान के सपोर्ट में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम जानेंगे यहाँ पर क्या कहती हैं एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। वेल दोस्तों, बता दें आपको कि हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए सिंगर और एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अपने दिल की बात कही है। आइए जानते हैं क्या कहती हैं ये एक्ट्रेस। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान इस वक्त काफ़ी मुश्किल भरे दौर का सामना कर रहे हैं। शाहरुख के बेटे आर्यन खान एक दिन की एनसीबी रिमांड में है। दरअसल शाहरुख के बेटे आर्यन खान को बीते दिन एनसीबी ने ड्रग्स मामले में की गई एक छापेमारी के बाद हिरासत में ले लिया और इसी बीच देखा जाए तो शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं अपने बेटे आर्यन खान को लेकर। इसी दौरान देखा जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सितारे शाहरुख और गौरी का सहारा बने हुए हैं। इसी लिस्ट में नाम शामिल है सिंगर और एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति का। हाल ही में सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने आर्यन के बचाव में एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि पेरेंट्स के लिए ये कभी भी आसान नहीं होता है कि वे अपने बच्चों को परेशानी में देखें, सभी के लिए दुआएं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने एक ट्वीट में ये लिखा है कि एनसीबी की रेड में अब तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है, बॉलीवुड को एक तमाशा बना दिया गया है, ये फेमस होने की कीमत है। इस तरह से सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अपने दिल की बात कही है और शाहरुख के सपोर्ट में उतरती हुई नजर आई हैं। इतना ही नहीं, शाहरुख खान का सहारा बने हुए हैं उनके बेहद करीबी दोस्त सुपरस्टार सलमान खान। वहीं सुपरस्टार सुनील शेट्टी ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू के जरिए बयान दिया और कहा कि आर्यन अभी बच्चा है, उसे सांस तो लेने दो। सुनील शेट्टी ने लोगों से संयम रखने और जांच पूरी होने का इंतजार करने की अपील भी की है। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि सुचित्रा कृष्णमूर्ति किस तरह से शाहरुख के सपोर्ट में उतर आई हैं और अपने दिल की बात कहती हुई देखी गई हैं। बॉलीवुड के पॉपुलर स्टार सुशांत सिंह राजपूत बीते साल इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और उस मामले के दौरान एनसीबी की टीम ने ड्रग्स मामले में कई सेलिब्रिटीज से पूछताछ की। वहीं अब आर्यन खान इस मामले में फंसते हुए देखे जा रहे हैं, ड्रग्स मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बीच देखा जाए तो आर्यन को लेकर भी कई राज खुल रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।